Horror tales continue to emerge from West Bengal's Sandeshkhali. Now, a mother of Sandeshkhali survivor has come out seeking justice for her daughter, who she alleged was sold off by Sheikh Shah Jahan and his aides. The National Commission for Scheduled Tribe members visited the violence-hit village, say they've received 30 complaints, notably implicating a particular political leader, is what they said. Meanwhile, to shed light on the accusations, the BJP released a documentary today titled Sandeshkhali Shocker, The Big Reveal. In the documentary, Sandeshkhali survivors have taken names of Trinamool goons and narrated the horror they allegedly had to undergo because of these TMC strongmen. Now, this film aims at exposing the alleged incidents of harassment and abuse inflicted by TMC leader Sheikh Shah Jahan, a key person entwined in this controversy who has mysteriously been absconding for over 49 days now. एक नया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है संदेशखाली में. हमारे साथ कंप्लेनेंट हैं और उनसे हम बात करेंगे. इन्होंने जो एसटी कमीशन है उससे शिकायत की है, डीजीपी राजीव कुमार आए थे उनसे भी शिकायत की है. आपकी मुख्य शिकायत क्या है? मेरी लड़की गुमशुदा हो गई, मैं देखना चाहती हूँ लड़की किधर है. कब गुमशुदा हुई है, कब गायब? 17 साल में गुम हुई है, 23 साल में हमको पता लगा कि बेंगलुरु में भेज दिया. 2017 में गायब हो गई थी, यहीं से? यहीं से. कितनी उम्र थी उस वक्त लड़की की? उसकी 17 साल उम्र थी. और क्या कर रही थी वो? वो पढ़ाई कर रही थी हायर सेकेंडरी में. कैसे? स्कूल जाते वक्त? स्कूल जाते वक्त गया और लौटा नहीं. तो आपने शिकायत दर्ज करवाई थी उस वक्त? उस वक्त जो प्रूफ चाहिए थी मेरे पास नहीं थी. मैं उसको ढूंढते ढूंढते 23 साल हो गई. जब जब मैंने पहुंचा कृष्णनगर तब मेरे को पता चला कि वहां से बेच दिया. फिर मैंने गया बुशर्ट कोर्ट पर एक केस किया. वो केस का कॉपी लेकर मैं संदेशखाली थाने में आया कि मेरा केस दर्ज कीजिए, मेरे लड़की गुम हो गई, उसे ढूंढने के लिए. लेकिन वहाँ केस नहीं लिया. बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहान की सिफारिश चाहिए. मैं अकेला लड़की घर में रहती हूँ, मेरा पति बाहर काम करती है, मेरे द्वारा ये काम नहीं हो पाया, मैं छोड़ दिया. अभी क्या आपको उम्मीद लग रही है? अभी इतना मीडिया है, इतनी ऊंचे माहौल के आदमी है, जरूरत जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा. कौन कौन ले गया था इसके बारे में जानती है? हाँ, बापा दास, शिका दास, विशाखा दास और पिंटू दास. कहाँ ले गए? कृष्णनगर में, वहाँ से ही भेज दिया. अभी कहाँ पे पता है कुछ? अभी मीडिया द्वारा पता चल रही थी कि बेंगलुरु में एक होटल में भेज दिया. शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, इससे पहले भी आतंक रहा है? किस तरह का आतंक रहा है वो थोड़ा बताएं. ये तो अब सुन ही रहा है कि लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाती है, काम कराती है, पैसा नहीं देता है, जमीन हड़प लेती है. उसके बाद भी कोई सिफारिश करने से कोई काम नहीं होता. पुलिस तो केस दर्ज नहीं करती, इसलिए मेरे लड़की को भी केस नहीं दर्ज किया. कमीशन को जो कंप्लेंट मिला था जिसे आधार में हम लोग आए थे, तो ग्राउंड में हम वही कंप्लेंट सच निकला है और वहाँ पर एट्रोसिटी केस भी हुआ है और वहाँ पर जमीन हड़प का केस भी आया है सामने. और सबसे बड़ा बात है, इतने डरे हुए हैं जिस कारण से, और सामने आकर तो बोले हैं कुछ रिटर्न देने के लिए भी चाहे, और को कुछ ऐसे नाम नहीं बता करके भी डिटेल बताए हैं हमको. हम उसी आधार में अपना रिपोर्ट बना करके जिन जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी. मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदा जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो जो अभिजोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभिजोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं. आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें. हम उनकी सारी जो जो उनके अभिजोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी. व्हाट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटरी यू आर नाउ शोइंग और टॉकिंग अबाउट इज मेड बाय बीजेपी फॉर बीजेपी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ बीजेपी फ्रॉम द आईज ऑफ बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी. आई वंडर व्हाई बीजेपी हैज नॉट प्रोड्यूस सच अ डॉक्यूमेंटरी ऑन मणिपुर. Manipur, several people lost their lives. I mean, more than 1,000 people lost their lives. And the women were made naked to walk on the road. We have seen, all the world has seen. But there was no such documentary. There is no such hue and cry. And everything has been swept under the carpet. Whereas, in Sandeshkhali,
where the Supreme Court has already mentioned that Sandeshkhali cannot be compared with the atrocity in Manipur. But still, the government of West Bengal taking appropriate steps. देखिए एसटी कमीशन को जाना चाहिए और वो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एसटी संप्रदाय के मूलतः जो एसटी संप्रदाय के हैं और उनका जो जमीन एकड़ जमीन संदेशखाली में उनका जमीन जब्त कर लिया इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस ने उसके ऊपर मछली का भेरी बना के रखा है छोटा पॉन्ड बना के रखा है और वहां पे मछली कल्टीवेशन हो रहा है जिसका एक भी पैसा उनको नहीं मिलता इवन अपना जमीन जो लीज दिया है ऑन पेपर जिसको दिखाया जा रहा है उसका भी पैसा उनको नहीं दिया जाता उल्टे पैसा उनसे लिया जाता है इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति का जुबान नहीं खुल रहा है ये सारे के सारे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही इनकी जुबान चुप है संदेशखाली में वहाँ जो अपमान हो रहा है ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर के उनके राज्य में महिलाओं का आबरू लूटा जा रहा है My colleague Rajesh Shah is reporting from Shandeshkhali. Rajesh, as far as the TMC is concerned, the troubles only seem to be mounting. After women came forward and alleged sexual harassment, now there are those coming forward and alleging that there's been human trafficking which has been going on in Shandeshkhali as well. This basically puts a very serious sort of a scanner on the TMC and the patronage for Sheikh Shah Jahan. Well, Paulmi, I'm coming to this matter. Let me show you this visual. You can see a half-burnt house, and this half-burnt room has set on fire by some unknown villagers because the violence has been erupted in Shandeshkhali again today at around 11 a.m. This morning. And this is basically a guard room belonging to a fishery, which owns by one of the brothers of Sheikh Shah Jahan, who is the prime accused of TMC leader Sheikh Shah Jahan. And this is basically a guard room where a security guard used to perform his duty over here, and he used to look after the whole fishery area and farmland area on behalf of the Sheikh Shah Jahan and his family. And suddenly, as per the local information we are getting from, unruly mob started gathering over here and in this morning, and suddenly a clash took place between the villagers and some people on behalf of Sheikh Shah Jahan. And finally, some of them has set fire to this house, to this guard room of this fishery, and this fishery belongs to Sheikh Shah Jahan's own brother. And this is being alleged that this was actually a farmland which was owned by one of the villagers, and it was grabbed by Sheikh Shah Jahan, the team's leader Sheikh Shah Jahan. And following which, in this particular situation, internal clash took place between the villagers and Sheikh Shah Jahan's brother. And finally, some of the unknown mob, unruly mob, set fire to this house, and after getting the information, DIG Barashat Range Bhaskar Mukherjee reached along with local SP and local OC reached over here with huge forces, including rapid action forces, and an inquiry has been started. But the SP told us that it's still unclear who set fire to this house, and this is being investigated by the local police station, local Shandeshkhali police station. Follow me. Okay, Rajesh, thank you so much for joining us from Shandeshkhali with that latest update that he is bringing us about an unruly mob, he says, that attacked one of the guard rooms that, in fact, was that belonged to Sheikh Shah Jahan. He had grabbed some land and there was a guard there sitting in that guard room who was watching over these lands that were grabbed by Sheikh Shah Jahan, and then an unruly mob set fire to that guard room.